हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि है MPCHO से क्वेश्चन। MPCHO और मतलब MPCHO का तो एग्ज़ाम रिसेंटली हो गया है, लेकिन UPCHO का एग्ज़ाम आने वाला है, राजस्थान CHO का एग्ज़ाम आने वाला है और पंजाब CHO का भी एग्ज़ाम जो है आने वाला है। तो जितने भी CHO के एग्ज़ाम अपकमिंग हैं उनके रिलेटेड हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं MCQs की विद रेशनल, एंड सारे MCQs हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, लेकिन क्या करो, बोलना तो पड़ता ही है, क्योंकि आप बिना बोले आप कुछ काम करते नहीं हैं। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सब्सक्राइब करना और करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे आपको जानकारी होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं, करें और करवाएं अपने आसपास भाई बंधु दोस्तों से। और चलिए शुरू करते हैं आज का जो कोट है। हम स्टार्ट करने से पहले हमेशा कोट देखते हैं, और ज़िंदगी में विचार ही हमें आगे बढ़ाते हैं, इसलिए विचारों को मैं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अहमियत देता हूँ, और आप भी दें, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएँ। और किसका कोट है तो देखते हैं, कोट है मिस्टर स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स वॉज द फाउंडर ऑफ एप्पल, यू एवरीवन शुड नो। एप्पल जो कंपनी है और दुनिया में सबसे अमीर कंपनियों में से एक, तो उसके फाउंडर थे, शुरुआत इन्होंने की थी। और क्या कह रहे हैं ये, कहिए भाई साहब, सुन रहे हैं हम। माई फेवरेट थिंग्स इन लाइफ डोंट कॉस्ट एनी मनी। मेरी जो फेवरेट चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर, उनका कोई पैसा नहीं लगता। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माई फेवरेट थिंग्स इन लाइफ डोंट कॉस्ट एनी मनी। इट रियली क्लियर दैट द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स वी ऑल हैव इज़ द टाइम। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं स्टीव जॉब्स साहब, कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं उनका कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री है ना। और इसका मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में भगवान ने जो हमें चीज़ें दी, एक नेचर ने जो हमें चीज़ें दी हैं, पहाड़, नदियाँ, पानी और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, समंदर और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने की, घूमने की, वो सब फ्री है ना। कोई उसका, प्रकृति हमसे पैसा नहीं लेती। फल जो है, फल लग रहा है, एक सेब लग रहा है, तो सेब का पौधा जो है कभी पैसे मांगता है कि अल्लाह मुझे पैसे दे उसके बाद पौधा दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और हो सकता है वही आपको सारी चीज़ें पसंद हो। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रीशियस जो चीज़ है वो टाइम है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है बच्चों, वो टाइम है। और टाइम की अहमियत अगर हम स्टूडेंट के रूप में, हम एक कॉम्पिटिटर के रूप में, एक पढ़ाई करते वक्त के स्टूडेंट के रूप में, अगर हम समय की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे तो फिर बहुत ही बुरा होगा, और हम समय पे जो है चीज़ें नहीं हासिल कर पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपने नोट सेट पास करना है, तो आपको समय की वैल्यू समझनी पड़ेगी। आने वाले समय में 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम है, तो 2 महीने में उस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। CHO का आप तैयारी कर रहे हैं, तो CHO की आपको उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम की डेट कब है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो समय की जो वैल्यू करेगा वही जीवन में आगे बढ़ पाएगा। देश में लोग इतने समझदार हैं, 5 रुपये के लिए लड़ जाते हैं सब्जी वाले से, ऑटो वाले से, लेकिन उसके लिए 5 घंटे तैयार, 5 घंटे बर्बाद कर दिए, उससे उनको कोई वो नहीं है। 5 घंटे बर्बाद हो गए तो हो गए, लेकिन 5 रुपये बर्बाद नहीं होने चाहिए। तो पैसे की तो सब हम वैल्यू जानते हैं, लेकिन समय की वैल्यू भी हमें समझनी पड़ेगी, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, एक देश के रूप में, एक इंसान के रूप में, और एक जिस भी रूप में आगे बढ़ना चाहें उस रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ तभी जब आप समय की वैल्यू को समझेंगे। चलिए अगले 25 सवाल हम देखेंगे हमारे, और देखते हैं पहला क्या है। द गवर्नमेंट लॉन्च NPCDS प्रोग्राम टू टारगेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेशनल प्रोग्राम टू प्रिवेंट। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम टू प्रिवेंट, उसके बाद एंड कंट्रोल, ये हो गया नेशनल प्रोग्राम एंड प्रिवेंट एंड कंट्रोल। फर्स्ट है कैंसर, सेकंड है डायबिटीज, थर्ड है कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस, और फोर्थ है स्ट्रोक। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कैंसर, कार्डियक डिजीजेस, डायबिटीज एंड स्ट्रोक प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आता है, तो इसमें सभी आएंगे, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
और स्ट्रोक भी आता है इसके अंदर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। तो ये प्रोग्राम है, चलिए प्रोग्राम से रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं, तो आप ध्यान से प्रोग्राम से रिलेटेड प्रश्नों को आप याद रखें, देखें और एक तरह से अच्छे से पढ़ें उनको। अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज बाई एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यूज एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड कैंसर। ऐसी बीमारी जिसके अंदर क्या है होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, टिश्यूज की, मतलब कि आपको एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊं तो नॉर्मली क्या होता है, कोशिका एक से दो बनती है, दो से तीन बनती है, तीन से चार बनती है, चार से पाँच बनती है, और बीच में फिर मरती भी रहती है, फिर छः बनती है, फिर सात बनती है, फिर आठ बनती है, ठीक है। इस तरह से कोशिका विभाजन होता रहता है, कोशिका विभाजित होती है, फिर कोशिका मरती रहती है, कोशिका बनती रहती है, इस तरह से चलता रहता है, सामान्यतः ये पैटर्न चलता है, ठीक है, माइटोसिस के अंदर। लेकिन क्या होता है कैंसर के अंदर, अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही कैंसर कहलाता है। किस तरह से हम देखेंगे, पहले दो एक कोशिका थी, एक से दो हुई, दो से सीधा चार हो जाएगी, वो चार से सीधा क्या हो जाएगी, आठ हो जाएगी, आठ से सोलह हो जाएगी, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, चौंसठ से एक तरह से इस तरह बढ़ती 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 एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेगी, और उस ट्यूमर को क्या कहेंगे बच्चों, उस ट्यूमर को कहेंगे कैंसर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो सेल की ग्रोथ एकदम से बढ़ना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और हाइपरटेंशन जो है, बीपी का बढ़ना 140 बटा 90 से अधिक कहलाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को कहेंगे और एंजाइना को भी कहेंगे। और डायबिटीज मेलाइटस, शुगर लेवल का बढ़ना डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है, या इंसुलिन का इफेक्टिव नहीं रूप से काम करना डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। चलिए IDDM इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर दैट स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स एंड डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड, ऐसा कैंसर जो रीजनल लिम्फ नोड में पहुंच चुका है और उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोमा या ल्यूकेमिया, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी ट्यूमर, ओके, सेकेंडरी ट्यूमर जो कि फैल रहा है, सेकेंडरी ट्यूमर कहलाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पहले आप देखें कि ओबेसिटी क्या होता है, आपकी होती है एक BMI होती है, ठीक है, BMI पहले देखना पड़ेगा हमें, इसके लिए BMI नॉर्मल जो होती है 18 से 25 होती है, और अगर आपकी BMI 26 से लेकर के 30 के बीच में है तो आप क्या है, ओवरवेट हैं, आपका वजन जो है बढ़ा हुआ है, और 30 से 35 है तो ओबेस हैं आप, मतलब 30 से ऊपर है तो ओबेस ही है ना। तो BMI कैसे निकालते हैं, हाइट और वेट का अनुपात है, ठीक है, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए उसको हम बोलते हैं BMI, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है ना। तो जो ये मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है 18 से 25 होना चाहिए, 18 से अगर कम है तो हम कह सकते हैं आप माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरवेट कहला रहा है और 30 से अबव ओबेस कहलाता है, तो ओबेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वजन हो जाना, और एक इंसान जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, ओबेसिटी हो गई है, तो वहाँ पर जो है बहुत ही सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, हाइपरलिपिडीमिया होगा, लिपिड का लेवल बढ़ जाएगा, जी हाँ बढ़ेगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्लूकोज की असहिष्णुता हो जाएगी, यानी कि शुगर वगैरह की प्रॉब्लम, डायबिटीज मेलाइटस होने की देखने को मिल सकती है। और कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा क्या, नहीं देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन की जगह क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हाइपरटेंशन, आप ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन होगा। ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, कैंसर भी होता है ओबेसिटी से, और बहुत सारी जो है दिक्कत आती है चलने फिरने और उठने बैठने, और सारी हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, और भी बहुत सारे ढेर सारी प्रॉब्लम, देर इज अ सिंड्रोम काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन ड्यू टू ओबेसिटी। सो ओबेसिटी शुड बी प्रिवेंटेड, ओबेसिटी को बचना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, और अपने आप को जो है आप हेल्दी रखें, और कम से कम एक घंटा जो है अपने सेहत के लिए ज़रूर दें 24 घंटे में से, और एक घंटा आप बातों के लिए भी दें, है ना, गप्पे शप्पे लड़ाएं, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ते रहें बच्चों। मुझे पता है कि पढ़ते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपका मन करता हुआ कि 24 घंटे की जगह 48 घंटे होने चाहिए थे इस दिन के अंदर कि मैं सारा पढ़ लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, सबके पास 24 घंटे हैं और उन्हीं का सदुपयोग करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ज़ेरोथैल्मिया कैन बी कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का हम एडमिनिस्ट्रेशन करके ज़ेरोथैल्मिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो विटामिन डी नहीं, विटामिन B6 नहीं,
विटामिन ए, जी हाँ विटामिन ई भी नहीं। तो विटामिन ए की अगर कमी से होने वाला रोग है जेरोप्थेल्मिया, और विटामिन ए हम देंगे तो कंट्रोल हो सकता है जेरोप्थेल्मिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज मेलिटस इज यूजुअली रिकॉग्नाइज बाय, डायबिटीज मेलिटस को किस तरह से हम मापेंगे पाएंगे, सॉरी कोई याद कर रहा है मुझे, ऐसा जब हिचकी आती है तो क्या बोलते हैं हम, कोई कोई याद कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई याद कर ही रहा होगा या कर रही होगी। तो एल्बुमिन यूरिया, एल्बुमिन होना यूरिन के अंदर, हाइस एसजीपीडी, दोनों गलत है, ठीक है। एसजीपीडी तो लीवर से रिलेटेड जो बीमारी होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा ना, लीवर रिलेटेड डिजीजेस। एसजीपीडी सीरम ग्लूटामिल ट्रांसमैनेज, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है फॉस्फेटेज ट्रांसमैनेज। ग्लूकोज यूरिया, जी हाँ, और यूरिया इन द यूरिन, यूरिया तो होता ही है यूरिन के अंदर, है ना, यूरिया तो होता ही है यूरिन के अंदर, है ना, पानी के अंदर तो हाइड्रोजन होगा ही, ऑक्सीजन भी होगा ही, तो ये तो गलत है। और जो राइट आंसर है वो ग्लाइकोज यूरिया, अगर यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज देखने को मिल रहा है अधिक मात्रा में तो वो बीमारी क्या कहलाएगी, आपकी डायबिटीज मेलिटस, यानी कि IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी इसको बोलते हैं। चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। विल्सन डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय, विल्सन डिजीज को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, चलिए परिभाषित कर लीजिए कैसे उसकी विशेषता है, मतलब वो परिभाषा भी हम एक तरह से कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी क्या इसमें, नहीं होगी। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन होगा क्या, नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं है। राइट आंसर है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर किडनी एंड ब्रेन, लीवर किडनी और ब्रेन के अंदर कॉपर इकट्ठा हो जाना विल्सन डिजीज कहलाता है। बच्चों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, UPCHO हो चाहे Rajasthan CHO हो, इसी तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। चलिए विच इज द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कैंसर, निम्न में से कौन सी बीमारी कैंसर नहीं है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया कैंसर है, कार्सिनोमा कैंसर है, सार्कोमा कैंसर है, क्या कैंसर नहीं है, तो ग्लूकोमा कैंसर नहीं है। और ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, है ना, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज्ड इन ग्लूकोमा। इट ग्लूकोमा कैन बी ओपन एंगल और क्लोज एंगल, वो फिर हम कभी समय निकाल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम याद रखें कि ग्लूकोमा आँख की बीमारी है, कैंसर की बीमारी नहीं है, ये तो आसान है। चलिए द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय, कब तक भारत चाहता है कि मलेरिया जो है ख़त्म कर देंगे हम, उन्मूलन कर देंगे पूर्ण रूप से, 25, 24, 27 या 30, 2030 तक हमने रखा है, हम दूर का लक्ष्य रखते हैं, पास का नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है मलेरिया मच्छरों से होता है और मच्छर कभी खत्म होंगे नहीं भारत के अंदर, और मलेरिया भी कभी खत्म नहीं होगा, है ना। हाँ तो फिर भी 2030 में ऐसा रखा है लक्ष्य, तो हो जाए तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। चलिए उसके लिए मच्छरों को ख़त्म करना पड़ेगा, और मच्छरों को ख़त्म करना बहुत ही एक तरह से मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए भी। द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम्स टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन बाय एनकरेजिंग देम टू डिलीवर इन गवर्नेंस हेल्थ फैसिलिटीज इज कॉल्ड, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने वाला कौन सा प्रोग्राम है, तो हम कहेंगे क्या है, नन ऑफ दिस तो नहीं है, रोगी कल्याण समिति, नवजात शिशु कार्यक्रम, ये साम नाम से पता चल रहा है, जननी सुरक्षा योजना, जननी मतलब माँ, माँ मतलब जो माँ बनने वाली है, और माँ जो बनने वाली है वो उसकी सुरक्षा, मतलब जननी सुरक्षा योजना, मोर्टेलिटी को कम करना जननी सुरक्षा योजना। अगला पढ़ते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च इन द विश ईयर, फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है 1952 के अंदर लॉन्च किया था बच्चों, और सबसे पहले पूरे विश्व में फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो लॉन्च करने वाला देश जो था वो आपका भारत था, इंडिया था, और उसने बहुत ही प्यार से जो है प्रोग्राम लॉन्च किया। चलिए अच्छी बात है, प्रोग्राम तो लॉन्च करना ही था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स, राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है, तो हम कहेंगे IAC, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, जी हाँ इंफॉर्मेशन हम देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं, एड्स एजुकेशन, एड्स से रिलेटेड एजुकेशन देना क्या इसका पार्ट है, जी हाँ पार्ट है, डेफिनेटली है। और यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम, ये भी सही है, ऑल ऑफ द दिस, यानी कि सारे सही है, तो ऑल ऑफ दिस, जब भी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में हो तो ऑल ऑफ दिस को आप टिक मार सकते हैं, अगर आपको सवाल नहीं आता है तो, आता है तो फिर आपको देख करके सही टिक मारना है। और हाँ बच्चों, UPCHO में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप जो है सारे प्रश्न करके आए,
ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी राजस्थान से जो कभी तो अभी आया नहीं है, अंडर द WHO विजन 2020 प्रोग्राम, WHO के विजन 2020 प्रोग्राम में सेफ स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। सेफ स्ट्रेटेजी किसके लिए है? तो ट्रेकोमा के लिए है, ठीक है, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी और ऑन्को सेरेसियासिस, इन सब के लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, ऐसे कौन सा शहर है जिसके अंदर हाथियों का उत्सव मनाया जाता है? तो हाथियों का उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके जयपुर के अंदर, ना कि कोलकाता, हैदराबाद या बेंगलोर के अंदर, ठीक है। जयपुर राजधानी है कहाँ की? राजस्थान की, और वहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, आप याद रखें, 10 प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद जो है अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, 21 जून को मनाया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, और जुलाई तो अभी चल रहा है, जुलाई में नहीं आता है, मई में भी नहीं आता, जून में आता है, 21 जून को आता है, ठीक है। बहुत आसान आसान सवाल हैं, आ रहे हैं, अब फिर भी आपको लगता है कि कठिन है तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फ्रॉम द तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये तो अब आ ही गया है, तो फिर भरतनाट्यम एक डांस है, ठीक है, तमिलनाडु का। कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी नाट्यम, ये नहीं है। द स्टडी ऑफ एटमोसफियर इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ एटमोसफियर को जियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और मेटेरोलॉजी या सिस्मोलॉजी, तो इसको कहते हैं मेटेरोलॉजी, ठीक है। मेटेरोलॉजी जो है एटमोसफियर के अध्ययन को कहते हैं, सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहेंगे, जियोलॉजी भूगर्भ के अध्ययन को कहेंगे, नेफ्रोलॉजी नभ के अध्ययन को, नभोविज्ञान, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, नभ, नभ का मतलब क्या? आसमान की, ठीक है। द स्टेट इन विच कोणार्क टेम्पल इज प्रेजेंट, जीके किससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपसे भी पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ओडिशा के अंदर सूर्य मंदिर है कोणार्क के अंदर, ठीक है। ये सब गलत है, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, असम। चलिए, अ 5-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, 5 वर्ष का जो चाइल्ड है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। द बेस्ट नर्सिंग एक्शन फॉर पेरेंट्स हु आर डिस्प्लेइंग एंगर एंड गिल्ट इज, जो पेरेंट्स है वो गुस्सा और गिल्ट दोनों प्रस्तुत कर रहे हैं, गुस्सा इस बात का कि कैसे बीमार हो गया हमारा बच्चा, और दुखी भी हो रहे हैं कि हमारी वजह से बीमार हो गया, तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? गिव पर्सनल एग्जाम्पल्स दैट सिमिलर टू दियर सिचुएशन, खुद से रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहिए क्या कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था? नहीं देना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन बाय समथिंग लेस पेनफुल, दूसरा दुख दे दो उनको, पहले से आदमी दुखी है उसको और दुख दे दो, ऐसा नहीं करेंगे, दुख नहीं देना है, है ना। अभी हमने देखा था कि लव स्प्रेड करना है ना, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे वो एक सामान्य आम इंसान हो, तो हम प्यार बांटें, नफरतें नहीं, गुस्सा नहीं और दर्द भी नहीं। एक्सप्लेन द डेंजर ऑफ एक्सेस एंगजाइटी एंड गिल्ट, क्या उसको समझाएंगे कि क्या ज़्यादा टेंशन लेने से और क्या एंगजाइटी से क्या हो सकता है, क्या नुकसान है, तो और टेंशन में आ जाएंगे सब। ये तीनों चीज़ें गलत है, सही जो है एंटिसिपेट दियर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड एक्नोलेज देम, उनके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनको एंटिसिपेट करना है, एक्नोलेज करना है, ठीक है, उनका सांत्वना देनी है, उनको समझाना है, बुझाना है, और इस तरह से काम जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर या नर्स जो है वो करने वाली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th। चलिए अगला सवाल है, व्हेन द चाइल्ड इज इन एक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक चाइल्ड है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के एक्यूट फेज के अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल मेजर द नर्स शुड डू, क्या क्या नर्स को करना चाहिए? यूरिन डिपस्टिक हर घंटे करेंगे क्या? नहीं करेंगे, यूरिन डिपस्टिक करते तो है लेकिन 24 घंटे में करते हैं, क्या हुआ? लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है तो उसको हम चार्ज लगा देते हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, 2 मिनट रुकिएगा बच्चों, टेक्निकल मिस्टेक तो क्या, डिस्चार्ज तो हो गई कोई चीज। चलिए, हाँ, तो 24 आवर जो है यूरिन डिपस्टिक 24 आवर्स में करते हैं,
मेजर एब्डोमिनल ग्रोथ एवरी 2 आवर्स, एब्डोमिनल ग्रोथ भी करते हैं वो भी 24 आवर्स में ही करेंगे, हर 2 घंटे में नहीं करेंगे, दो सवाल तो गलत हो गए। चेक हीमेटोक्रिट वैल्यू एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे में उसका खून निकाल निकाल के भेजेंगे लेबोरेटरी में, हीमेटोक्रिट चेक करो, हीमेटोक्रिट चेक करो, क्या होगा उससे, नहीं करना है, है ना। अगला सवाल है, ऑप्शन है वो राइट है बच्चों, हम करेंगे बच्चे का वजन डेली करेंगे, वजन डेली करने से हमें इनटेक आउटपुट का पता चलेगा, इनटेक आउटपुट चार्टिंग भी करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों की, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं कुछ अंतिम सवालों की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फाइंडिंग द नर्स शुड एक्सपेक्ट एंड ऑब्जर्व द पेशेंट वर टू डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फॉलोइंग इंट्राविनस इन्फ्यूजन। एक पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है आईवी इन्फ्यूजन देने के बाद, तो क्या हमें मिलेगा मॉटलिंग एंड कूलनेस, क्या मिलेगा ठुठरन और ठंडक, नहीं। लीकनेस ऑफ लीकेज ऑफ फूड एंड नमनेस, नहीं। फेलर एंड स्वेलिंग, नहीं। राइट आंसर जो है बच्चों एरिदमा एंड हीट, ठीक है, एरिदमा हो जाएगा वहाँ पे और गर्मी होगी, है ना, थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी और थोड़ा सा हीट भी हो सकती है, तो हम उसको क्या करेंगे, हेपेरिन लगा सकते हैं, है ना। उसके अलावा वहाँ पर कोल्ड जो है कोल्ड आइस पैक वगैरह रख सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द नर्स शुड एम्फासिस ऑन, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाना है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब छेद हो जाना हड्डी के अंदर, और हड्डी के अंदर के छेद को कैसे बचाएंगे अपन, तो एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, जी हाँ ये सही जवाब है। मिनिमाइजिंग सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर तो हमें बढ़ाना है, ठीक है, सन से तो विटामिन डी मिलता है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, कम क्यों करेंगे। रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम इनटेक, सोडियम इनटेक से भी कोई रिलेशन नहीं है और वैसे कम करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड नहीं है। रिस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करना क्यों बंद कराएंगे, एक्सरसाइज और ज़्यादा कराएंगे उससे हड्डियाँ मजबूत होती है, तो राइट आंसर इज एलिमिनेट स्मोकिंग, स्मोकिंग से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसलिए आज ही आप फूफू क्या कर रहा है छोड़ दो इसको, वो आता है ना अक्षय कुमार का ऐड, पहले अक्षय कुमार खुद ऐड करता था सिगरेट का, तो ऐसे ही है, तो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं कुछ लोग और कुछ भी ऐड कर देते हैं, मतलब कुछ भी करने का मतलब पान बहार और पान मसाला और विमल और ये सब ऐड करना नहीं करना चाहिए, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको गलत उससे जाता है सोसाइटी के अंदर, पर ठीक है क्या कर सकते हैं, अपन कुछ कह नहीं सकते, वो उनके पर्सनल वो है। द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट असाइन टू द नर्स इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एक पेशेंट है जिसका डायग्नोसिस राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नर्स इज कैन एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग, ठीक है, क्या हम असेस करेंगे और क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बोर्ड पे ले चलता हूँ, और ये है आपका हार्ट, ठीक है, ये आपकी एर्टा, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये इस तरह से आपका हार्ट है ना, इधर बीच में भी कंपार्टमेंट है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये है आपका राइट एट्रियम, और यहाँ पर आकर सुपीरियर वेना केवा खुल रही है और यहाँ पर आके नीचे से आ रही है लेकिन खुल तो वहीं रही है, तो इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा है और ये सुपीरियर वेना केवा है। चलिए यहाँ तक आपने देखा, इस तरह से होती है वेना केवा सारी चीज़ें। अब क्या बोल रहा है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड को आप भूल जाइए, है ना, ये जो साइड है हार्ट की ये क्या हो गई है, फेल, FAIL, फेल, फेल का मतलब क्या, काम नहीं कर रही है, जब काम नहीं करेगी तो इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड आएगा, यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा लेकिन ये ब्लड आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जाने की वजह से क्या होगा बच्चों, कि सिस्टेमिक कंजेशन होगा, है ना, जो इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आया उसको वापस भेज देगा वो, तेरे का क्या काम, यहाँ से पहले भी इतना ब्लड है, जा वापस, तेरे की जरूरत मेरे को नहीं है, तो इधर से भी भेज देगा, सुपीरियर वेना केवा में भी भेज देगा, तो सिस्टेमिक कंजेशन होगा और पेशेंट का जो वेट है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, है ना, एडिमा हमें देखने को मिलेगा, और कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे कि पेरिफेरल एडिमा, यानी कि पेरिफेरल जो दूर दराज के इलाके हैं, मतलब शरीर के दूर दराज के इलाके, वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से जो है हमें देखने को मिलेगा, तो हम उसको कहेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, है ना, जैसे लेफ्ट साइडेड फेल हो गया, ये भी समझा देता हूँ, तो ब्लड इधर नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है तो आ कहाँ से रहा है, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से आ रहा है, हार्ट लंग्स से आ रहा है, एक लंग्स ये रहा आपका, एक लंग्स ये रहा, दोनों लंग्स से आ रहा है तो लंग्स को वापस भेज देगा,
जा तेरा ब्लड तेरे पास रख, मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो लंग्स के पास भेजेगा तो क्या होगा, वहाँ पर पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, पल्मोनरी एडिमा होगा, ऐसे ऐसे लक्षण आएंगे तो हम कहेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। और ये भी मैं आपको समय मिला तो कभी पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको समझ में आ गया होगा, है ना, मैं समझाता हूँ तो सब समझ में आ जाता है। तो राइट आंसर क्या है, पेरिफेरल एडिमा है, क्यों है मैंने आपको बता दिया है। आउटपुट कम नहीं होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग नहीं होगी, सीजर एक्टिविटी नहीं होगी, दौरे वगैरह कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। दौरे तो दौरे पे तो कौन जाता है, मोदी जी जाते हैं। अ वुमन इज डायग्नोस्ड टू हैव, विदेश के दौरे पे है ना, जाना ही पड़ता है। तो अ वुमन इज डायग्नोस्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन लेवल इज बिलो। सीवियर एनीमिया कब कहेंगे, हीमोग्लोबिन कितना कम होगा तो हम सीवियर एनीमिया कहेंगे, तो हम कहेंगे 7 ग्राम पर डीएल से अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हम कहेंगे क्या है पेशेंट को, एनीमिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है आज का। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच टू द बोन एट द जॉइंट्स इज कॉल्ड, ऐसा फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, टेंडन, नर्व या मसल, तो हमारा आंसर होगा कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो बोन से अटैच होता है, राइट आंसर है। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट डे।